हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। कल मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट भेजा था एसएससी का मॉक टेस्ट 2, और मैंने आप लोगों को एक चैलेंज भी दिया था कि देखें कितने लोगों के 20+ आते हैं। ठीक है, तो समय आ गया है ये चेक करने का कि कितने लोगों के 20+ आए हैं। और जिन लोगों के 20+ आए हैं, मेरा चैलेंज है कि CHSL हो, चाहे MTS हो, चाहे CGL हो, उसमें अंग्रेजी का पोर्शन तो आपको कोई रोक नहीं सकता निकालने से, क्योंकि ये सेट मैंने खुद बनाया था और मैंने लेवल का ध्यान रखा था। CGL में हो या CHSL में हो, जिस तरह के जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसका मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा है, और उसी को सोच करके मैंने ये आप लोगों का एक तरह से, ये मान लीजिए कि जिसको प्री बोर्ड एग्ज़ाम जैसा होता है, तो एक तरह का प्री बोर्ड मैं ले रहा था। और आज पता चल जाएगा आप लोगों को कि आप कितने पानी में हैं। अगर कम पानी में हैं तो और मेहनत करिए, अगर ठीक है गहरे पानी में है तो कोई बात नहीं है, कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों का कितना हुआ, कैसे हुआ, तो डिस्कस करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा, और क्वेश्चन पहला क्या है इसमें बताना है आप लोगों को, एंटोनियम शुरू में एंटोनियम नहीं है, ये देखो लिखा हुआ है सेम इन द मीनिंग। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या है, सेम इन द मीनिंग। दो क्वेश्चन हैं सिमिलर के, और क्वेश्चन जो पहला कह रहा है वो क्वेश्चन वर्ड है, देखो सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चलेगा। रितु आस्क्ड रश्मि नॉट टू मेडल इन हर अफेयर्स। तो इन हर अफेयर्स, ये जो लग रहा है ना यहाँ पे इन हर अफेयर्स लगने से ये क्लियर हो रहा है, अंदाज़ा लग रहा है कि हाँ मेडल का मतलब होता है कि मेरे मामलों में टांग ना अड़ाओ, और ये तो नॉट भी लगा हुआ है, तो सेंस करीब करीब यही आ रहा है सेंटेंस को पढ़ने का। अगर आपको मेडल की मीनिंग नहीं पता है तो भी, अगर पता है तो आप जानते ही होंगे कि मेडल का मतलब होता है दूसरे के मामले में टांग अड़ाना, पोक करना या इंटरफेयर करना। अगर आपको उसकी मीनिंग नहीं मालूम थी तो आप सेंटेंस से मीनिंग निकालिए कि रितु ने रश्मि से कहा कि मेरे मामले में मेडल ना करो, तो नॉट टू मेडल इन हर अफेयर्स, मतलब मेरे मामले में मेडल ना करो, तो क्या मतलब निकलेगा, इंटरसीड, इम्पोज या क्रॉस या इंटरफेयर। तो जो मीनिंग आ रही है वो किसकी आ रही है, इंटरफेयर की आ रही है, कि मेरे मामले में इंटरफेयर ना करो। बात समझ में आ गई ना, क्लियर हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द गेस्ट वर ऑफेंडेड, मेहमान नाराज थे, ऑफेंडेड नाराज थे, बाय हिज अनकाउच मैनर। ठीक है, तो बिहेवियर निकलने जा रहा था मुंह से, बात अगर बिहेवियर भी बोल देते तो कोई बात नहीं थी। द गेस्ट वर ऑफेंडेड, ऑफेंडेड मतलब हो गया नाराज थे, तो गेस्ट जो थे वो नाराज थे उसके अनकाउच मैनर से। तो अब अंदाज़ा लगाओ कि ये जो अनकाउच है ये खराब के ही सेंस में तो आ रहा है, निगेटिव सेंस में ही तो आ रहा है, अच्छा सेंस तो आ नहीं ना, क्योंकि अगर अच्छा सेंस होता तो मेहमान नाराज क्यों होते, इसका मतलब कि ये खराब है मैनर। तो यहाँ पर खराब के सेंस में कोई चीज़ लेनी है अगर आपको अनकाउच की मीनिंग नहीं भी आ रही है तो। अब देखते हैं यहाँ वेस्टफुल, तो मैनर वेस्टफुल, देखो मैनर थोड़े वेस्टफुल होता है, मैनर अनकल्चर्ड होता है, मैनर अनडिजायरेबल भी हो सकता है, मैनर कल्चर्ड भी हो सकता है, मैनर के लिए तीनों वर्ड लगे, लेकिन यहाँ खराब के सेंस में लगाना है तो ये कल्चर्ड वाला कट गया। अब आपके पास ऑप्शन बच रहा है अनकल्चर्ड का और अनडिजायरेबल का, तो अब ये बताओ कि मैनर के लिए अनकल्चर्ड और अनडिजायरेबल में से क्या लगा सकते हो। ठीक है, तो ये जो अनकाउच्ड लिखा है वो होता है जैसे बहुत आदमी पढ़ा लिखा ना हो, बड़े ही ख़राब ढंग से उसका जो बिहेवियर है, मैनर है, जो बड़ा रूड मैनर होता है या अनकल्चर्ड मैनर होता है, पढ़ा लिखा बहुत वेल रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड मैनर नहीं होता, उसी को अनकाउच कहते हैं। तो यहाँ पर जो सेंस आ रहा है वो अनकल्चर्ड का आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है जरा स्टेटमेंट पढ़ के देखो, तो कह रहा है अपोजिट वर्ड बताओ। ठीक है, तो जो यहाँ पे दिया हुआ है उसका अपोजिट आपको बताना है, अपोजिट वर्ड कौन सा दिया है, पार्सिमोनियस दिया है, पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस, मक्खी चूस। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, कंजूस, कंजूस तो सुना है आप लोगों ने, मक्खी चूस सुना है कि नहीं सुना है, मक्खी चूस नहीं सुना है, चलो मैं एक कहानी बताता हूँ। ठीक है, तो एक कंजूस आदमी था, तो एक मतलब कोई उसको मिला, तो वो कंजूस आदमी उसको ले गया दूध पिलाने के लिए, तो ठीक है कहीं बैठे थे ये लोग, वो दूध पी रहे थे, तो एक मक्खी गिर जाती है उसके दूध में, जो कंजूस आदमी था उसके दूध में मक्खी गिर जाती है,
तो वो क्या करता है कि दूध में से मक्खी निकालता है। अब मक्खी पे दूध लगा हुआ था, दूध में गिरी थी तो मक्खी के दूध लगा हुआ है, तो उठा के क्या करता है, मक्खी को मर तो गई ही थी तो फेंकना था, तो उसको लगा कि ये मक्खी के साथ ये जो दूध लगा हुआ है दूध भी चला जाएगा, बेकार जाएगा। मक्खी को उठा के चूसता है, चूसने के बाद सारा दूध चूस लेता है, उसके बाद मरी हुई मक्खी को फेंक देता है। अब देखो तुम लोग उल्टी मत कर देना, ठीक है? तो कंजूस मक्खी चूस की ये कहानी है। चलो अच्छा अपने में आते हैं हम लोग, तो इस मक्खी चूस का अपोजिट क्या होगा? एक वर्ड दिया हुआ है जनरस। जनरस का मतलब होता है उदार, दानी टाइप का, जो पैसा वैसा लोगों को दिया हुआ करता है वो होता है उदार। माइजरली मतलब क्या होता है, कंजूस। तो ये तो सिमिलर हो जाएगा, ठीक है? और केयरलेस लापरवाह हो गया, स्ट्रिक्ट, इन दोनों का उससे लेना देना नहीं है। अच्छा और वर्ड बता सकते हो क्या परसिमोनियस के? अब बात उठ गई है तो चलो कुछ और वर्ड देख लेते हैं। परसिमोनियस का जो दूसरा सिमिलर होता है वो क्या होता है, माइजरली, ठीक है? एक साइनोनियम हो गया माइजरली। और क्या वर्ड हो सकता है इसका, निगार्डली। एक वर्ड और आता है इसके लिए, कंजूस के लिए, निगार्डली, ठीक है ना? और एक वर्ड आता है क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड मतलब बंद मुट्ठी वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि महाकंजूस आदमी होगा, पैसे निकालेगा नहीं, ठीक है? और एक वर्ड ये पार्सिमोनियस तो दे ही रखा है, तो ये चार पांच वर्ड हो गए कंजूस के लिए। अपोजिट में आ जाओगे तो अपोजिट में क्या आ जाएगा, जेनरस आ जाएगा, एक्स्ट्रावेजेंट आ जाएगा, स्पेंड थ्रिफ्ट आ जाएगा। ये सब होते हैं फिजूल खर्च करने वाले। एक होता है लैविश, LAVISH, लैविश मतलब लुटाऊ टाइप का होता है। तो देखो इतने मैंने सैनोनियम और एंटोनियम बता दिए, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, पार्सिमोनियस कंजूस है, तो जो जेनरस है वो पैसा दानी टाइप का आदमी होता है ना, उदार, बड़े दिल वाला, जो दान वगैरह दिया करता है। तो यही अपोजिट होगा, आंसर क्या हुआ, ए हुआ, ठीक है? एक आंसर बताने में इतनी देर लगी, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स हमने सोचा बता ही लेते हैं, वो पूछा गया है। तो अब आ जाओ, ये लिखा है कि दिस इज़ नॉट आइडियोलॉजी बट प्रैग्मेटिक लैंग्वेज टीचिंग। ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, एक प्रैग्मेटिक लैंग्वेज टीचिंग है। तो प्रैग्मेटिक का मतलब जानते क्या होता है, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। अब आप वर्ड नोट करना शुरू हो जाइए, पेन पेंसिल लिए हो, कॉपी लिए हो तो शुरू रहिए। प्रैग्मेटिक मतलब होता है प्रैक्टिकल, या इसी का दूसरा मतलब होता है बिहेवियरियल। बिहेवियरियल का मतलब क्या होता है, जिसको हम लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा वर्ड लिख सकते हो फीसिबल, इसी के लिए। ये वर्ड बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये सब साइनोनियम है। एक वर्ड इसी का आता है वायबल, VIABLE। इतने वर्ड आए हैं एग्जाम में, एक तो ये खुद हो गया प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, बिहेवियरियल, फीसिबल, वायबल। ये सब का मतलब होता है जो हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीकेबल होता है, ठीक है ना? लाइफ में अपनाने लायक होता है। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट यही प्रैग्मेटिक का, इम्प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल का, इम्प्रैक्टिकल, ठीक है, इम्फीसिबल, अनवायबल, इनमें से कोई एक मिल जाएगा, ठीक है? तो इम्परफेक्ट तो होगा नहीं इसमें, इम्प्रॉपर होगा नहीं, इम्प्रैक्टिकल दिया है ये अपोजिट हो जाएगा, इम्पॉसिबल का कोई इससे रिलेशन नहीं है। मिल गया ना आपको कौन सा आंसर होगा इसका, इसका आंसर हुआ सी, ठीक है? चलिए अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमको करना क्या है, पहले स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे इडियम एंड फ्रेज लिखा हुआ है, तो इडियम फ्रेज दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, बेस्ट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। इस इडियम या फ्रेज की मीनिंग क्या है? एक एडियम तो आपको वही वाला मिल गया जो हमने आपको अभी थोड़े दिन पहले पढ़ाया था डॉग्स पे। तो डॉग पे जो एडियम हमने आपको 18-19 एडियम बताए थे उसी में था ना, गो टू द डॉग्स, ठीक है? पढ़ के देख लो, माय अंकल्स बिजनेस हैज़ गॉन टू द डॉग्स ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक। इस कोरोना पैंडेमिक में बहुत लोगों का बिजनेस डूब गया, बहुत लोग बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। गो टू द डॉग्स का मतलब मैंने उस दिन बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखा हो, तो नहीं देखा हो तो देख लीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है, बर्बाद हो जाना, ठीक है? तो बर्बाद हो जाने के लिए क्या लगाओगे, इज रुइंड, ठीक है ना? डेड या बूमिंग या एंग्री नहीं होगा यहाँ पर, ठीक? तो क्या लगेगा यहाँ पर, इज रुइंड, मेरे अंकल का बिजनेस कोरोना में बर्बाद हो गया, तो रुइंड आई उसकी मीनिंग। एक और इडियम दिया हुआ है, देखो यहाँ उस इडियम के लिए स्टेटमेंट क्या लगा है कि आई स्टेड ऑनेस्ट हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट्स नेस्ट मतलब जानते हैं हॉर्नेट क्या होता है, हॉर्नेट इसके पहले भी किसी डिस्कशन में आ चुका है। हॉर्नेट का मतलब क्या होता है ना, ततैया, ततैया जानते हो ना, बर्रैया सुना है, ततैया या बर्रैया सुना है, बर्र, पीली पीली, हाड़ा जिसको कुछ लोग कहीं कहीं पर बोला जाता है हाड़ा, ठीक है? जो भी समझते हो,
नहीं समझते हो तो जान लो, पीली एक होती है पीली पीली, पूरी पीली पीली होती है, एक लाल और काली होती है आधा, ठीक है। मधुमक्खी की ये भाई बहन है, ये काट लेती है तो पूरा चेहरा, मतलब जहाँ काट लेगी वहाँ पर सूजन आ जाती है, दर्द बहुत होता है, मतलब ये एक साथ झुंड में अटैक करते हैं। तो मतलब हुआ कि अगर आप बरैया के या ततैया के छत्ते में कंकड़ मार देंगे, उसके छत्ते में ढेला मार देंगे, तो क्या हाल करेगी आपका, मतलब वो नाराज़ हो जाएंगी, गुस्सा हो जाएंगी। तो यही मुहावरा अगर यूज किया जाता है कहीं पर कि ततैया के छत्ते को छेड़ दिया, तो उसका मतलब आपने किया क्या, आई स्टार्ट द हॉर्नेट्स नेस्ट, मैंने हॉर्नेट्स नेस्ट को छेड़ दिया बाय माई ऑनेस्ट स्टेटमेंट, एक ईमानदार कमेंट कर दिया ईमानदारी से, और लोग छिड़ गए, मतलब क्या हुआ, लोग मतलब क्या हुआ, चिड़चिड़ा हो गए, गुस्सा हो गए, ठीक है ना। तो अब हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब यहाँ सेंस में क्या होगा, आई स्टार्ट द हॉर्नेट्स नेस्ट पूरा मतलब आ जाएगा, रिस्पॉन्डेड द क्रिटिसिजम एंग्रली, नहीं मैंने किसी क्रिटिसिजम का एंग्री रिस्पॉन्स नहीं दिया था, कास्ड एंगर इन मेनी पीपल, हाँ बहुत लोगों में गुस्से का कारण बना, ये ठीक है, स्टॉप्ड पब्लिक क्रिटिसाइजिंग समवन, ये भी नहीं होगा, एक्ट विद एनर्जी, यहाँ पॉजिटिव सेंस में ही नहीं आएगा, ततैया के बर्रे को छेड़ने का मतलब हुआ बहुत से लोगों को नाराज कर देना, गुस्सा कर देना, आपका आंसर क्या हुआ इसमें, बी हो गया, ठीक है। 6 क्वेश्चन कर चुके, ये रहा 7वां क्वेश्चन आपका, पूछा क्या गया है कि इम्प्रूव करना है आपको अंडरलाइन पार्ट को, तो अंडरलाइन पार्ट देखो पूरा का पूरा सेंटेंस ही है, कोई एक पार्ट नहीं अंडरलाइन किया गया है, चलो देख लेते हैं। If I had the money, if I had, देखो if के बाद I के बाद had लगा है, जरा मैं यहाँ फिर लिख रहा हूँ, I के बाद had लगा और had के बाद क्या लगा है, noun लगा है। इस सिचुएशन में ये had क्या मानी जाती है, verb की सेकेंड फॉर्म मानी जाती है और ये टेंस हो जाएगा पास्ट इनडेफिनिट टेंस, ठीक है। और एक सिचुएशन और देखना, एक सिचुएशन ये है कि अगर had के साथ verb की थर्ड फॉर्म लगी होती है तब इसको हम क्या मानते हैं, तब हम इसे मानते हैं पास्ट का परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। दो बातें सिचुएशन समझ में आ गई, हैड और हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगे होना दो अलग अलग बातें हुई। अब आ जाओ आप सेंटेंस पर, इफ़ वाले में कंडीशन क्या होती है, ज़रा यहाँ भी देख लेना कि जब इफ़ के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है तो अगले पार्ट में क्या होता है, अगले पार्ट में होता है वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अब देखो यहाँ सेंटेंस क्या कह रहा है, इस सेंटेंस के मुताबिक चलो, इफ़ आई हैड द मनी, यहाँ केवल एक हैड लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी है, और यहाँ लिखा है वुड हैव बॉट, ये देखो यहाँ वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है और यहाँ हैड के साथ केवल 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 एक हैड लगा हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ, तो इसके साथ यहाँ केवल वुड होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, केवल वुड होना चाहिए था, और अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म भी है तब इसके साथ क्या होना चाहिए, तब इसके साथ वुड हैव और थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। देखो किस में ये कम्बिनेशन मिलता है, तो यहाँ इफ़ आई हैव हैड, देखो बच्चा हैव के साथ हैड नहीं होता, हैड के साथ लगाना है हमको थर्ड फॉर्म, वुड हैव के साथ बॉट लगा हुआ है, इसका मतलब हमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, पहला गलत। हैड आई हैड, देखो एक हैड लग गया पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, ये दूसरी वाली हैड लग गई उसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो हैड आई हैड द मनी आई वुड हैव बॉट, ये देखो वुड हैव बॉट, यहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। अच्छा बी वाले में जब हैड हैड लगा है तो पहली हैड हेल्पिंग वर्ब, दूसरी हैड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्लियर, तो ये बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अब फिर सी में देखो क्या लगा, इफ़ के साथ हैव लगा है, हैव के कम्बिनेशन में वुड हैव नहीं लगेगा, ठीक है ना, समझ में आई। तो अब ये जो हैड के साथ हैड लगा है, कुछ लोगों को दर्द हो रहा होगा कि हैड के साथ हैड कैसे हो सकता है, भाई देखो एक हैड जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब है और जो दूसरी हैड है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, पजेसिव वाली हैव की थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है, तो हैड के साथ हैड लगता है, कभी जब कंडीशनल पढ़ाएंगे तो बताएंगे कंडीशनल का मामला है, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही हुआ आपका, इसमें बी सही हुआ, जिसको डाउट हो तो वो क्लास में पूछ लेना, ठीक, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ सेवरल रिप्रेजेंटेशंस एंड रिमाइंडर्स द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैड नॉट टेकन एनी एक्शन टू स्टेम द सिस्टमेटिक एनक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि सेंस इनका क्या है कि
डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बार बार रिप्रेजेंटेशन और बार बार रिमाइंडर्स दिए जाने के बाद भी उन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कदम, कोई प्रशासनिक कदम नहीं उठाया वाटर बॉडीज़ पर एनक्रोचमेंट के खिलाफ, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है सेंस है कि बार बार रिमाइंडर्स के बावजूद, सेंस आ रहा है, विरोध आ रहा है ना, बार बार रिमाइंडर दिया गया इसके बावजूद उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। तो जो यहाँ मीनिंग आ रही है वो है के बावजूद की, मतलब क्या हुआ कि विरोधी स्टेटमेंट आ रहा है, बार बार रिमाइंडर कराया गया और उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, तो ये विरोधी स्टेटमेंट हुआ। अच्छा, विरोधी स्टेटमेंट के लिए हम लोग इंस्टेड ऑफ नहीं लगाते, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, के स्थान पर। तो यहाँ के स्थान पर इंस्टेड नहीं लगाना है, तो क्या लगा सकते हो, तो के बावजूद के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, पहले वो देखो। के बावजूद के लिए हम लोग यूज करते हैं या तो डिस्पाइट यूज करते हैं और या तो इंस्पाइट ऑफ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ। और सुपरफ्लूअस वाले में मैंने बताया था कि डिस्पाइट के बाद ऑफ, इस डिस्पाइट के बाद ऑफ लगता नहीं है और इंस्पाइट के बाद ऑफ जरूर लगता है। तो एक तो वो परसों वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, दूसरा आपको सेंस से भी हेल्प मिलेगी, इंस्टेड यहाँ लगेगा नहीं और ये ऑफ को अंडरलाइन किया नहीं गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपकी निगाह जरा सी भी चूकी तो आप गए गड्ढे में। यहाँ केवल इंस्टेड को अंडरलाइन किया गया है, ऑफ को अंडरलाइन नहीं किया गया है। याद रखना कि ऑफ लगा है, आप जो भी वर्ड यूज करेंगे उसके बाद ऑफ फिट होना चाहिए। तो डिस्पाइट के बाद ऑफ फिट नहीं होता तो ये लगेगा नहीं, आल्दो के साथ भी ऑफ नहीं लगेगा। अब बच रहा है केवल इंस्पाइट, जिसके बाद ऑफ लग सकता है और इंस्टेड अपनी जगह पे गलत है। तो केवल एक ऑप्शन बचा ना, आपके पास सी के अलावा कोई चारा नहीं है जिसके साथ ऑफ लगता हो, ठीक। चलिए, कुछ लोग डिस्पाइट लगा दिए होंगे, उन्होंने ऑफ को देखा नहीं होगा कि ऑफ अंडरलाइन नहीं किया गया है, तो वो लोग कृपया जरा कायदे से क्वेश्चन को देखा करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दी का काम डैश 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 का होता है, ठीक। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है भैया, आ जाओ। इसमें कह रहे हैं कि आप कोई ग्रामेटिकल एरर ढूंढ के बताइए, अगर हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, नो एरर तो है ही। तो पहले वाले में देखो क्या है, कहीं एरर एरर है क्या। द रिपोर्ट सेज दैट, पहले यहाँ देख लेना, यहीं पर घंटी घंटी बजनी चाहिए। रिपोर्ट सेज, सेज क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है ना, वर्ब में एस लगा है। रिपोर्ट सेज दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग सम ड्रग्स, अब ये ड्रग्स दवा समझिएगा, ड्रग्स नशे के लिए मत समझिएगा ना, कुछ दवाइयाँ विल सेल इन द शॉप, ठीक है ना, दवाइयाँ इस दुकान में बिकेंगी या बेचेंगी। अब ध्यान देना, ये बताओ कि ड्रग्स विल सेल, बोलो ड्रग्स विल सेल में दवाई बेचेगी कि दवाई बेची जाएगी। तो ड्रग्स विल सेल, ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का होगा। क्यों होगा, पहले कभी आपको याद करो मैंने समझाया था कि सब्जेक्ट होता है वर्ब होता है, तो सब्जेक्ट अगर डूअर भी है तब तो एक्टिव वॉइस में होगा, अगर डूअर नहीं है तो पैसिव वॉइस में होगा। अब यहाँ पे हमको बताओ भैया कि ये जो विल सेल है क्या इस काम को ड्रग्स कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है। अब ये बताओ कि इस ये ड्रग्स इस काम को कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट भले है लेकिन ये उस काम को करने, ड्रग बेच थोड़े रहा, ड्रग बेची जा रही है, तो इसका मतलब कि ये विल सेल किस में होनी चाहिए थी, पैसिव वॉइस में। इसके पैसिव वॉइस में होने के लिए ज़रूरत ये है कि यहाँ विल बी के साथ सोल्ड लगना चाहिए था, ठीक है ना, समझ गए क्या गलती हुई, ठीक है। तो गलत है इसका विल सेल, और आंसर क्या हुआ, सी, होना क्या चाहिए था, विल बी सोल्ड, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, यानी कि सेल की थर्ड फॉर्म हुई सोल्ड, ये होता। एरर इम्प्रूवमेंट, दोनों बातें बता दी। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, यहाँ आ जाओ। क्या कह रहा है कि वी आल आर इंडेप्टेड टू हिम, वी के साथ आर लगा ठीक है, आर लगा ठीक है, इंडेप्टेड के साथ टू लगा ये भी ठीक है, टू के बाद हिम लगा ये भी ठीक है, फार के साथ होल्डिंग लगा ये भी ठीक है। आगे लिखा है कि नॉट ओनली हाई मॉरल वैल्यूज
बट आल्सो रेंडरिंग डेडिकेटेड सर्विस फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। अब हमको गलती मिल गई। देखो जब नॉट ओनली बट आल्सो हम लोग कहीं यूज करते हैं तो एक जैसी चीज़ों के लिए लगाते हैं नॉट ओनली और यहाँ लगाया बट आल्सो। तो जब भी आप नॉट ओनली बट आल्सो लगाएं तो हमेशा सेम चीज़ के पहले नॉट ओनली, ठीक है, बट आल्सो अगर वर्ब के पहले लगा है तो नॉट ओनली भी कहाँ लगेगा, वर्ब के पहले, समझ में आई। और अगर बट आल्सो एडजेक्टिव के पहले होगा तो नॉट ओनली भी एडजेक्टिव, मतलब यह है कि नॉट ओनली बट आल्सो दोनों सेम पोजीशन पे होंगे, सेम थिंग के पहले लगेंगे, सिमिलर चीज़ के पहले लगेंगे। अब देख लो कि क्या दोनों सिमिलर चीज़ के पहले लगे हैं। यहाँ देखो नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद लिखा है कि हाई मॉरल वैल्यूज, और ये बट आल्सो देख लो, बट आल्सो के बाद क्या लगा है रेंडरिंग डेडिकेटेड, तो बट आल्सो के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है। दोनों अलग अलग चीज़ों के पहले लगे हैं, इसका मतलब कि नॉट ओनली की प्लेसमेंट गलत है। नॉट ओनली कहाँ होना चाहिए था, फार के बाद होल्डिंग, क्यों, बट आल्सो के बाद अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, देखो यहाँ बट आल्सो के बाद अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो नॉट ओनली के बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, और यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या है, होल्डिंग, तो होल्डिंग यहाँ से नॉट ओनली कट के नॉट ओनली कहाँ होना चाहिए, फार नॉट ओनली, ठीक। तो ये हो गया, वी ऑल आर इंडेब्टेड टू हिम फॉर नॉट ओनली होल्डिंग हाई मॉरल वैल्यूज बट आल्सो रेंडरिंग डेडिकेटेड सर्विस फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। अब बात समझ में आई कहाँ गलती थी, क्यों गलती थी। चलिए ठीक है, आज मज़ा तो आई होगी पैसेज करने में, ठीक है ना, आज का सेट लगाने में मज़ा आई, मज़ा आई हो तो बताना, ठीक है, रिप्लाई ज़रूर दिया करो, मज़ा आई थी कि नहीं आई थी, ठीक है। अब ये पी क्यू आर एस का अरेंजमेंट वाला खेल है, आप समझ ही रहे हैं कि इसमें करना क्या है, ठीक है, आ जाओ सीधे सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा देखो कह क्या रहा है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बड़ा कायदे से करना। सेंटेंस कह रहा है कि अ बैड हैबिट इज हार्मफुल, मतलब जनरल सेंस में बैड हैबिट की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक की नहीं है। फिर कह रहे हैं कि नन एज हार्मफुल एज स्मोकिंग, अभी आ गए स्पेसिफिक बैड हैबिट पर, ठीक है ना, एक बैड हैबिट की बात की इन्होंने, स्मोकिंग की बात की, ठीक है। और आखिरी सेंटेंस क्या है, सिक्स है, और पहला सेंटेंस ये है, बीच के ये ऑर्डर गड़बड़ है, इन्हीं को हमें ठीक करना पड़ेगा। पहले सेंटेंस आप पढ़ डालिए, सारा का सारा पैराग्राफ पढ़िए। ये हुआ कि एक बैड हैबिट, इन्होंने कहा कि मतलब बैड हैबिट हार्मफुल होती है और कोई बैड हैबिट उतनी हार्मफुल नहीं जितना स्मोकिंग। आगे लिखो कि बट हैबिट इज सेकेंड नेचर, लेकिन जो हैबिट है हमारी वो सेकेंड नेचर होती है। स्मोकर्स रिमोन स्मोकर्स फॉर लाइफ, जो स्मोकर है जिंदगी भर स्मोकर ही रहता है। आगे इन्होंने कहा कि बिसाइड्स बीइंग एक्सपेंसिव, मतलब यहाँ क्या हुआ बता रहे हैं कि एक्सपेंसिव होने के अलावा, यानी कि यहाँ पर इसके पहले एक निगेटिव आइडिया आ जानी चाहिए, क्योंकि बिसाइड्स मतलब क्या हुआ, के अलावा, एक्सपेंसिव होने के अलावा, स्मोकिंग डज इंजरी टू वंस हेल्थ, ये इंजरी टू हेल्थ, ये स्वास्थ्य को नुकसान करता है, एक बात हो गई। चलो इन द लॉन्ग रन, मतलब लंबे समय में, ज़्यादा से जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ही मे गेट समथिंग वर्स लंग कैंसर, ठीक है ना, तो लंबे समय में जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा तो उसको लंग कैंसर हो सकता है। आगे कह रहे हैं कि आई स्मोकर गेट्स नथिंग बट स्मोक फॉर हिज मनी, एक स्मोकर को अपनी पैसे के बदले में केवल स्मोक मिलता है और कुछ नहीं मिलता, ठीक है, ये हो गया। तो आगे लिखा है कि देन व्हाई, ठीक है, देन व्हाई गेट दैट हैबिट, तो इतनी बैड हैबिट क्यों आखिर लें, आखिर क्यों इतनी बैड हैबिट को पकड़ें। अब इसमें क्या आप लोगों को कोई लिंक, कोई क्लू मिला क्या, नहीं मिला तो चलो हम बताते हैं, ठीक है। एक जगह इन्होंने कहा कि उसको लंग कैंसर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ कह रहे हैं इंजरी करती है ये हमारे हेल्थ को, ठीक है, दो चीज़ें हो गई। मतलब ये हुआ कि हमें क्यू के बाद आर लगाना है, क्यू में कह रहे हैं कि हेल्थ को नुकसान करता है, और स्पेसिफिक में आगे आर वाला कि ये किसको, लंग को नुकसान करता है, तो क्यू आर का पेयर तो हमारा हो गया, जहाँ भी होगा क्यू आर साथ में होगा, तो इस वाले में क्यू आर साथ में है नहीं, इस वाले में क्यू आर हमें दिख रहा है, देखो ये क्यू आर दिख रहा है, तो ये चांस हो गया, इस वाले में कहीं क्यू आर नहीं है और इसमें भी कहीं क्यू आर नहीं है, ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि हमारा ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है ना। अब देखो क्यू आर के बाद पी एस आ जाता है कि नहीं आ जाता है, आना ही होगा,
क्यों आर? इन्होंने कहा, आर में कहा कि बाद में उसको लंग कैंसर हो जाता है, इतना वो जानता है फिर भी, लेकिन हैबिट तो सेकेंड नेचर होती है, स्मोकर स्मोकर जिंदगी भर रहता है, ठीक है। और एक स्मोकर को जिंदगी भर में धुएं के सिवा और कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। देन वाई गेट दैट बैड हैबिट? तो अगर हमें पता है कि स्मोकर को जिंदगी भर में खाली धुआं ही मिलेगा, तो ऐसी बुरी हैबिट्स क्यों पकड़ें? तो ये ठीक है, सही है, ये अरेंजमेंट हमारा सही है, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं हुआ। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? बी होगा। कोई डाउट हो, कोई शक शुबह हो तो हमको बताना, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर आपको रीअरेंजमेंट ही करना है, ठीक है। तो अभी ऑप्शन के चक्कर में थोड़ा सा हम इतने पे कर लेते हैं तो हमें पूरा का पूरा डिस्प्ले आ जाएगा, दिख रहा होगा। थोड़ा दिक्कत हो रही होगी कि ज़्यादा ऊपर तक हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा बड़ा था तो एक में करना पड़ा इसको। अब यहाँ देखो, एक बॉटनी के प्रोफेसर थे, ठीक है ना। ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि हिज ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी इज सुपीरियर टू ऑल अदर। मतलब बॉटनी के प्रोफेसर थे और उनको बार बार ये लगता था, वो लोगों से ये कहा करते थे कि जो मेरी ब्रांच है वो बायोलॉजी की दूसरी ब्रांचेस से सुपीरियर है। अब देखो पी में क्या लिखा है, हिज मोस्ट परसुएसिव आर्गूमेंट हाउएवर केम ड्यूरिंग लेबोरेटरी सेशन। एक लेबोरेटरी सेशन कर रहे थे, कभी लैब में प्रयोग करा रहे थे, तो उसी समय सबसे ज़्यादा मोस्ट परसुएसिव सेशन उस समय आर्गूमेंट आया देखने में। क्या क्या था उन्होंने दिया होगा, कहीं पर एक एग्जाम्पल दिया होगा। एंड दे डोंट ईट मच, ठीक, एंड दे डोंट ईट वेरी मच। अब देखो ये देख इसके लिए लगा हुआ है, आगे देखें। एग्जामिनिंग द सेल, कहाँ होगा एग्जामिनिंग द सेल? ये जब लेबोरेटरी में प्रयोग करते थे, ये हुआ ना ड्यूरिंग अ लेबोरेटरी सेशन, लेबोरेटरी सेशन में ही वो ये वाला काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें पी के बाद आर लगा लेना चाहिए। पी में कहा गया कि उनका सबसे परसुएसिव आर्गुमेंट उस समय आया था जब वो लेबोरेटरी में प्रयोग कर रहे थे, और यही वाला प्रयोग है, आर वाला क्या है, लेबोरेटरी में प्रयोग है, तो पी के बाद आर लगेगा, ये तो पक्का हो गया। मतलब दो हम लोगों ने दो पेयर मिल गया। तो एग्जामिनिंग द सेल्स ऑफ पियर, एक पियर की सेल को एग्जामिन कर रहे थे, उसी समय द प्रोफेसर कट अ स्लाइस फॉर द माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। तो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के लिए उन्होंने एक स्लाइस काटा, और जो बाकी बचा हुआ था टुक अ बाइट ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्पेसिमेन, जो नमूना था स्पेसिमेन था, जो जितना उनको स्लाइड के लिए चाहिए था उतना स्लाइस काट लिया, बाकी वाला वो बाइट का मतलब क्या हुआ, कुतर गए, मतलब क्या हुआ, खा गए, ठीक है। आगे क्या हुआ, एस में लिखा है प्लांट्स ही नोटेड, मतलब वो कहा करते थे कि प्लांट्स नेवर रन अवे फॉर बाइट। तो प्लांट्स जो है, पौधे जो हैं, वो कभी भागते नहीं हैं और ना ही कभी काटते हैं। अगला क्या हुआ, आगे लिखा है कि यू वोंट बी डूइंग दैट इन जूलॉजी लैब। अब इन्होंने कहा, आखिर वाला सेंटेंस छठा देखना, छठे में इन्होंने कहा यू वोंट बी डूइंग दैट इन जूलॉजी लैब, जो मैंने अभी किया, क्या ऐसा तुम जूलॉजी की लैब में कर सकते हो? मतलब कोई पत्ती वत्ती है, कोई प्याज व्याज होगी, उसको काट के स्लाइस ये चेक कर रहे होंगे, और उन्होंने जो बचा हुआ उसको खा लिया। तो वही उन्होंने कहा, क्या जूलॉजी की लैब में ऐसा कर सकते हो, क्या तुम काकरोच का प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो जितना प्रैक्टिकल करना था उतना करने के बाद बचा हुआ खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। इसका मतलब हुआ कि हमारी जो बॉटनी है वो दूसरे ब्रांचेस से ज़्यादा अच्छी है। तो देखो ये कब लगा सकते हो बताओ, ये आखिरी वाला सिक्स वाला किसके साथ लगा सकते हो, जहाँ उन्होंने एक बाइट खा लिया था, याद है ना। तो आर वाले में उन्होंने खाया था ना, प्रयोग कर रहे थे तो बची हुई खा लिया उन्होंने, तो जब उन्होंने खा लिया था तो इसके बाद ही तो सिक्स वाला लगाओगे, क्योंकि जब उन्होंने खाया था उसके बाद ही बोला था कि ऐसा तुम जूलॉजी के लैब में नहीं कर सकते हो, यानी कि पी आर के बाद ही हमारा सिक्स वाला आएगा। तो पी आर के बाद सिक्स वाला लग रहा है, इसका मतलब जो दूसरा वाला पेयर है वो पहले लगेगा। तो हमें पी आर लास्ट में चाहिए, यहाँ पी आर शुरू में है, यहाँ एस पी आर क्यों है, ये होगा नहीं, यहाँ पी आर लास्ट में है, ठीक है ना। तो ये बी वाले में पी आर लास्ट में है, यहाँ पी आर नहीं है, आर पी है, ये होगा नहीं। तो पी आर लास्ट में केवल बी में दिया हुआ है, और आपका आंसर क्या होगा, यही होगा, इसके अलावा कोई सेटिंग बैठ ही नहीं सकती है। अब आप एस क्यू लगा के बैठाना चाहो बैठा लो, इसके अलावा कोई सेटिंग आएगी नहीं, अगर किसी की आई तो हमसे डिस्कस कर लेना,
ठीक है आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, इसमें क्या कह रहे हैं कि आई डैज ऑफ हिम, ठीक है ना, सिंस ही लेफ्ट दिस सिटी। अभी आ गया सिंस, आपको टेंस वाला मामला याद है जब मैंने पढ़ाया था, जिन लोगों ने नहीं देखा हो टेंस का वो वीडियो वो देख लें प्लीज, ठीक है, अगर सीखना चाह रहे हो तो। तो सिंस के बाद मैंने कहा था पास्ट इंडिफिनिट लगता है, और सिंस के बाद पहले क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। अगर आपने वो देखा हो तो इसमें हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो सिंस के बाद ही लेफ्ट पास्ट इंडिफिनिट है, सिंस के पहले में पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए, आई के साथ क्या लगा दो, हैव हर्ड लगा दो, हो गया काम। ठीक है तो वो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। मोहन इज़ डैश देन ऑनेस्ट, डैश देन ऑनेस्ट, यानी कि मतलब क्या हुआ, ऑनेस्ट में और यहाँ एक गुण में कंपेरिजन हो रहा है। तो जब दो गुणों में, ये देखो टू क्वालिटीज़ ऑफ किसके, वन पर्सन, एक पर्सन के दो क्वालिटीज़ में जब कंपेरिजन किया जाता है तो जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो मोर लगा के बनाई जाती है। अगर कहीं लिखा हो वाइजर तो ऐसे में वाइजर नहीं होगा, ऐसे में क्या होगा, मोर वाइज, ठीक है ना। इफ़ टू क्वालिटीज ऑफ सेम पर्सन आर थिंग इज कम्पेयर्ड, कॉम्परेटिव डिग्री इज मेड बाई मेड बाई यूजिंग मोर नॉट बाई यूजिंग er और est, क्लियर हो गई बात। ठीक है तो यहाँ हमें वाइजर नहीं यूज करना है, मोहन इज डैश देन ऑनेस्ट, तो यहाँ पे वाइजर नहीं लगा पाओगे, क्योंकि एक आदमी की दो क्वालिटीज में कंपेरिजन हो रहा है, तो यहाँ मोर वाइजर लगा लोगे क्या, तो वाइजर लिखा है ना, वाइजर के पहले मोर, दोनों कॉम्परेटिव डिग्री है तो भी गलत हो गया, ये भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये सुपरफ्लुअस वाले में पढ़ाया था कि मोर वाइजर नहीं हो सकता। तब आपके पास क्या उपाय बचा है, ये उपाय बचा है कि आप मोर वाइज लगाइए और यही लगेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक, एक सेंटेंस होगा उसके बदले में एक वर्ड लगाना है। आ जाओ क्या सेंटेंस है, लिखा है माय अंकल सेलिब्रेटेड हिज 57th बर्थडे, हमारे अंकल ने अपना 57वां जन्मदिन मनाया लास्ट मंडे को। अब वो क्या है, तो जो 57 वर्ष का होगा उसको अब क्या कहेंगे, क्वाड्राजेनेरियन, क्विंक्वाजेनेरियन, हेप्टाजेनेरियन या हेक्साजेनेरियन। ठीक है तो आप याद करो, जेनेरियन का मतलब क्या हो गया, जेनेरियन होता है 0 से 9, जेनेरियन हो गया 0 से 9, ठीक है ना, मतलब 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, ये होगा। अच्छा तो आपने ये पढ़ा होगा कि पेंटा किसके लिए लगता है, पेंटा या क्वाड्रा किसके लिए, पेंटा या क्वाड्रा लगता है 4 के लिए, उल्टा बोल दिया, टेट्रा होता है ये, टेट्रा और क्वाड्रा 4 के लिए होता है, ठीक है माफ़ करिएगा गलती, पेंटा होता है किसके लिए, 5 के लिए, ठीक है ना, पेंटा या क्विंक्वा, ठीक, पेंटा या क्विंक्वा यूज करते हैं 5 के लिए, और टेट्रा या क्वाड्रा यूज किया जाता है किसके लिए, 4 के लिए, हेक्सा या सेक्सा यूज किया जाता है 6 के लिए, हेप्टा या सेप्टा यूज किया जाता है 7 के लिए, ऑक्टा यूज करता है 8 के लिए। तो यहाँ पे 57 है, 57 का मतलब 5 में क्या यूज करेंगे, या तो पेंटा या तो क्विंक्वा, ठीक, क्या लगेगा, क्विंक्वा, क्विंक्वा में जेनेरियन जोड़ दीजिए तो हो गया क्विंक्वा जेनेरियन, ये रहा आपका 57 में, ठीक है ना, क्विंक्वा जेनेरियन होगा। क्वाड्रा जेनेरियन कब होता, क्वाड्रा जेनेरियन होता 40 से 49 ईयर वालों के लिए, हेप्टा जेनेरियन कब हो जाता है 70 से 79 वालों के लिए, हेक्सा जेनेरियन कब हो जाता है 60 से 69 ईयर के लोगों के लिए, क्लियर हो गई बात। आंसर क्या हो गया आपका, बी। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या होगा, मर्डर कमिटेड टू टेक रिवेंज, हमने एक मर्डर वर्डर पे एक वीडियो डाला था, बहुत सारे वर्ड बताए थे, तो उसी मर्डर वाले वीडियो में ये वर्ड था कि जब बदला लेने के लिए किसी की हत्या की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, वेंडेटा। लिंचिंग क्या होती है, मोब लिंचिंग होती है, जब भीड़ किसी को पकड़ के पीट देती है और वो मर जाता है तो लिंचिंग, मोब लिंचिंग कहते हैं उसको। एसेसिनेशन किसी VIP की हत्या को कहते हैं, असाल्ट मतलब अटैक होता है, तो आंसर आपका क्या था, वेंडेटा था। ठीक है आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में, करना क्या है 17-18 में,
एक्टिव या पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस दिया होगा, उसको एक्टिव या पैसिव में चेंज करना है। तो आ गया आपका क्वेश्चन आपके सामने, सी इज़ टू लुक। अब याद रखना कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, टू, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। टू बी के साथ थर्ड फॉर्म मतलब जो टू लुक लिखा है इसकी जगह क्या होगा, टू बी लुक्ड आफ्टर, ठीक है ना। तो टू बी लुक्ड आफ्टर, आई कहाँ हो जाएगा, पहले हो जाएगा, तो सी के लिए जो इज़ लगा है वो आई के लिए क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। पहले इतना देखो, सब में आई पहले लगा है, तो यहाँ इज लगा है तो यहाँ विल नहीं होगा, इनका तो काम ख़त्म हो गया। आई एम लुक्ड आफ्टर, ठीक है ना, तो आई एम लुक्ड आफ्टर नहीं होगा, यहाँ लिखा है टू लुक, टू लुक होगा तो टू बी लगाना पड़ेगा यहाँ, तो यह होगा आई एम टू बी लुक्ड, और ये लिखा आई एम टू बी लुक्ड आफ्टर, तो यहाँ तक तो ठीक है। आई एम टू बी लुक्ड आफ्टर बाय, अब यहाँ तक लुक्ड आफ्टर बाय, यहाँ तक तो दोनों में दिया हुआ है। अब क्या करना है हमें कि लिखा है यहाँ पर सी, तो सी का क्या होगा, बाय हर होगा, ये बाय हर होगा, ठीक है। तो ये बाय यू कहाँ से आ गया, तो डी वाला गलत हो गया, ऑप्शन कौन सा हुआ आपका, सी, थोड़ा क्लोज है, ठीक है ना, क्लोज आंसर था, मैंने कहा था ना कि ये मैं अपने आप से सेट करूँगा, ठीक है, तो थोड़ा क्लोज आंसर तो हमारी आदत ही है ना देने की। अब आ जाओ जरा 18 में, यहाँ पे पैसिव वॉइस चेंज करना है, यहाँ है आई हैव अ फीलिंग, आई हैव अ फीलिंग में यहाँ कोई एक्शन नहीं है, इसकी पैसिव नहीं बदलेगी, आई हैव अ फीलिंग ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ चेंज करो, यू आर कीपिंग द सीक्रेट, यू आर कीपिंग अ सीक्रेट में सीक्रेट कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, यू कहाँ चला जाएगा, बाद में चला जाएगा, आर कीपिंग की जगह क्या होगा, आर की जगह इज हो जाएगा, कीपिंग की जगह क्या होगा, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म केप्ट, तो इज बीइंग केप्ट, ठीक है। आ जाओ, आई हैव अ फीलिंग दैट, 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 सब में लगा है। अब यहाँ लिखा कीपिंग अ सीक्रेट, ये गलत हो जाएगा, कीप मेन वर्ब है, ये नहीं लगानी थी। अब यहाँ लिखा है कि अ सीक्रेट इज केप्ट, इज केप्ट नहीं होगा, मैंने बोला था इसके बाद बीइंग आना चाहिए, हैज़ कहाँ से आ गया, इसके बदले में, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब यहाँ क्या है, सीक्रेट इज बीइंग केप्ट, मैंने कहा था कि बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आंसर क्या हो गया, डी। आगे बढ़ो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, क्या कह रहे हैं इसमें, पूछा क्या जा रहा है, इन्होंने कहा कि आपका एक सेंटेंस है जिसको आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन में बदलिए और सेम मीनिंग आनी चाहिए। आ जाओ भैया, नरेशन का क्वेश्चन ये रहा, नरेशन में क्या कह रहे हैं, आई सेड टू हर, ठीक है ये बदल गया, इन्वर्टेड कामा की जगह पर क्या लग जाएगा, आगे देखेंगे तो बताएंगे, आल योर फॉल्ट्स, तो यहाँ योर की जगह बदलना पड़ेगा, ठीक है, विल बदलेगा क्योंकि ये सेड है। आगे लिखा है इफ़ यू, यू बदल जाएगा और कन्फेस बदल जाएगा, इतनी चीज़ें आपको बदलनी हैं। और कहाँ पर क्या होगा, देखो ये सेड लिखा हुआ है, पास्ट में है, सेड का क्या हो गया, टोल्ड हो गया, चारों में लगा है, यहाँ क्या लगेगा, दैट लगेगा, योर कौन है, योर है ये लड़की है, तो योर की जगह क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। आल हर फॉल्ट्स, विल का वुड हो जाएगा, पार्डन ऐसे ही रहेगा, इफ़ यू का क्या होगा, यू का उस लड़की के लिए सी लगेगा, और कन्फेस की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। अब आ जाओ देखते हैं कहाँ लगा है, आई टोल्ड हर दैट हर फॉल्ट्स विल बी, ये विल का वुड होना चाहिए था, आई टोल्ड हर दैट आल हर फॉल्ट्स वुड बी पार्डन्ड, ठीक है यहाँ तक, इफ सी कन्फेस, सी के साथ ये कन्फेस सेकेंड फॉर्म में जानी चाहिए थी, गलत हो गया, आई टोल्ड हर दैट आल हर फॉल्ट्स वुड बी पार्डन्ड, यहाँ तक ठीक है, इफ़ यू कन्फेस्ड, अब ये यू तो बदलना चाहिए था ना, सी होना चाहिए था, ये भी गलत, आई टोल्ड हर दैट आल हर फॉल्ट्स वुड बी पार्डन्ड इफ सी कन्फेस्ड, देखो ये सी भी बदला, ये फी बदला, ये वुड भी बदला, ये हर भी बदला, और ये टोल्ड भी हुआ, ये दैट भी हुआ, तो यही डी वाला है जो कम्प्लीट करेक्ट है, ठीक है। चलो आ जाए, रहा ये क्वेश्चन नंबर 20, फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने को मिला, ठीक है, दो दो क्वेश्चन सबके हैं। यहाँ लिखा ही सेड टू मी, ठीक है, आगे लिखा व्हेन डू यू इंटेंड में यहाँ कोई कनेक्टर नहीं लगेगा, व्हेन ही रहेगा, व्हेन का व्हेन होगा, यू बदलेगा किसके लिए, मी की जगह पे आ जाएगा, आई हो जाएगा, और डू इधर से इधर चला जाएगा, अब जो डू इधर जाएगा तो डिड बनेगा नहीं, बल्कि इंटेंड की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, इंटेंडेड हो जाएगा और डू हट जाएगा, ठीक है। प्ले पे बैक द मनी, यू, यू कौन हुआ, कौन लिया है, मी, आई लिया है, तो ये आई हो जाएगा। बारोड पास्ट एंड डेफिनिट में है तो इसको क्या कर देंगे, हायर के साथ थर्ड फॉर्म। फ्रॉम मी जो है, मी किसके लिए बदल जाएगा, ही के लिए बदल जाएगा, तो हिम हो जाएगा।
इतनी चीज़ें जिसमें चेंज हुई हो वो आपका इनडायरेक्ट होगा। तो ही इंक्वायर्ड मी व्हेन, मैंने कहा था ये जो डू है ये इधर जाएगा और यहाँ जाके ये मर जाएगा, क्योंकि इंटेंट की सेकेंड फार्म होनी है, डू का डिड नहीं होना है, तो ये डिड कट गया। आगे आओ, ही इंक्वायर्ड मी इफ़ आई इंटेंडेड, तो व्हेन आई इंटेंडेड टू पे बैक द मनी आई बारोड, देखो यहाँ आई बारोड की जगह आई हैड बारोड होना चाहिए था, ये कट गया। ही इंक्वायर्ड मी व्हेन आई इंटेंडेड टू पे बैक द मनी आई हैड बारोड फ्रॉम हिम, ठीक है ना। तो व्हेन आई इंटेंडेड टू पे बैक द मनी आई हैड बारोड फ्रॉम हिम, इसमें पूरी की पूरी चीज़ सही नज़र आ रही है, यहाँ कोई गलती नहीं दिख रही है। अब यहाँ देख लो, यहाँ आई के साथ बारोड लिखा, देखो हैड छोड़ दिया, हैड नहीं काटा है ना, ये गलत हो जाएगा। तो फिर एक ऑप्शन बचा आपका सी वाला, ठीक। और दूसरी बात ये देखो, टू के साथ पेड लगाया है, टू के साथ पेड नहीं लगता, पे लगता है, इसकी सेकेंड फॉर्म नहीं बनानी थी। क्लियर हो गया, 20 क्वेश्चन हो गए। अब 21वां क्वेश्चन, 21 से 25, 21 से लेकर के 25 तक इसके क्या दिया है मैंने, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज दिया हुआ है। इस बार मैंने क्लोज टेस्ट नहीं दिया है, ठीक है, कई क्लोज टेस्ट के आप लोग प्रैक्टिस कर लिए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, पहले मैंने कहा था कि क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे। आ जाओ सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू द राइटर, मतलब क्या हुआ कि राइटर के अकॉर्डिंग पॉवर्टी क्या है, इसका मतलब ये ओपनिंग सेंटेंस होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग सेंटेंस में मिलेगा या फिर ये पहले पैराग्राफ में, क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉवर्टी पर पैसेज होगा और पॉवर्टी के बारे में राइटर के अपने व्यूज़ क्या थे ये बताना है आपको। तो उन्होंने लिखा होगा, शायद पहले ही पैराग्राफ में लिखा हो क्योंकि स्टार्टिंग होगी ये। अगला क्वेश्चन है व्हाट कंडीशंस, ठीक है ना, द वेरियस अटेम्प्ट्स टू डिफाइन पावर्टी, कौन सी चीज़ है जो पावर्टी को डिफाइन करने के अलग अलग एफर्ट्स को कंडीशन कर देती है, शर्त लगा देती है, वो कौन सी चीज़ है जो पावर्टी को डिफाइन करने के प्रयासों में शर्त लगाया करती है। तो ठीक है, ये हमें जहाँ कंडीशनिंग ऑफ अटेम्प्ट होगा या कंडीशनिंग ऑफ डेफिनेशन होगा वहाँ इसका आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डू ऑल डेफिनेशंस ऑफ पावर्टी डू, जितनी भी पावर्टी की डेफिनेशंस हैं वो सब की सब क्या करती हैं। तो पावर्टी की डेफिनेशंस जो हैं उनका काम, ये इस पर एक क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान में रखिएगा, सारे ध्यान में रखिएगा। डेफिनेशन ऑफ पावर्टी इन इंडिया एम्फेसाइजेस मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग बिकॉज, क्यों, तो जो इंडिया में डेफिनेशन है पावर्टी की वो मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग को एम्फेसाइज करती है। मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग मतलब जो कम से कम जो ज़रूरतें हैं जो लिविंग के लिए उन पर एम्फेसिस करती है, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25, ये 25 में क्या कह रहे हैं कि सोसाइटीज़ इन द थर्ड वर्ल्ड, अब थर्ड वर्ल्ड पे आप कंसंट्रेट करिएगा, गरीबी में, थर्ड वर्ल्ड में गरीबी के बारे में कुछ बात होगी। तो सोसाइटीज़ इन द थर्ड वर्ल्ड कैन बी कैरेक्टराइज्ड प्लेग्ड बाय मास पावर्टी, तो थर्ड वर्ल्ड की सोसाइटी को कैरेक्टराइज्ड बाय प्लेग, ठीक है ना। तो प्लेग्ड क्यों कहा जाता है, मास पावर्टी द्वारा प्लेग्ड है, मतलब थर्ड वर्ल्ड की जो सोसाइटी है वो मास पावर्टी से पीड़ित है, ऐसा क्यों कहा गया है। तो इतने क्वेश्चन हमें मिले, अब हम चलते हैं एक तरफ से पढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस के आंसर वहीं मार्क करते चलेंगे, ठीक है ना। शुरुआत देखो क्या कह रहे हैं कि पावर्टी कैन बी डिफाइंड एज, देखो यही कहा है ना, पहला ही क्वेश्चन था कि राइटर के अकॉर्डिंग पावर्टी की डेफिनेशन क्या होगी, तो पावर्टी कैन बी डिफाइंड एज अ सोशल फेनोमेना, अ सोशल फेना इन विच अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज अनेबल टू फुलफिल इवन इट्स बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो राइटर के अकॉर्डिंग, ये राइटर का अपना व्यू है, किसी का व्यू नहीं दिया है, राइटर ने ओपनिंग सेंटेंस लिखा है, पैराग्राफ का पहला सेंटेंस, यानी कि ये राइटर के निजी आइडियाज़ हैं, निजी विचार हैं। और इस पैराग्राफ के इस सेंटेंस में राइटर के निजी विचार क्या हैं, उन्होंने कहा कि जो पावर्टी है वो एक सोशल फेनोमेना है जिसमें समाज का एक सेक्शन होता है, ठीक है, समाज का एक सेक्शन ऐसा होता है जो अनेबल टू फुलफिल इवन बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को, जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ है। ये पावर्टी की डेफिनेशन हुई किसके, राइटर के अकॉर्डिंग। ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया, ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है कि व्हेन अ सब्सटेंशियल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इज डिप्राइव्ड ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग एंड
continues at a bare subsistence level that society is said to be plagued with mass poverty. याद आया plagued with mass poverty, ये भी क्वेश्चन आया था. तो plagued with mass poverty कब कहा जाएगा उसको, याद करो यहाँ से मिलेगा, जब समाज का एक बड़ा सेगमेंट deprived of minimum level of living, वो minimum level of living से भी वंचित है और continue रखता है एक ऐसे केवल मतलब bare subsistence level पर जीवन जीने के लिए बाध्य है, मजबूर है, मतलब किसी तरह से जिंदा रहें बस केवल उतना ही मुहैया हो पा रहा है, तो उस सोसाइटी को plagued with mass poverty कहा जाएगा. हमारा ये भी क्वेश्चन मिल गया, एक क्वेश्चन इस पर भी था. आगे आ जाओ, आगे क्या मिल रहा है हमको, देखिए कह रहे हैं कि द कंट्रीज ऑफ थर्ड वर्ल्ड, यही था ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, द कंट्रीज ऑफ थर्ड वर्ल्ड, ये जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज हैं एग्जिबिट इनवेरिएबली द एग्जिस्टेंस ऑफ मास पॉवर्टी, इसमें मास पॉवर्टी दिखाई देती है. मास पॉवर्टी क्या है इसके ऊपर इन्होंने बता दिया, इन्होंने कहा कि हालांकि पॉकेट्स ऑफ पॉवर्टी एग्जिस्ट इवन इन द डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज में भी छिटपुट पॉकेट्स ऑफ पॉवर्टी मतलब छिटपुट गरीबी के वो दिखाई पड़ते हैं ट्रेसेस, जैसे यूरोप और अमेरिका के छोटे छोटे जो देश हैं डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ भी देखने को मिलती है गरीबी, लेकिन वहाँ की गरीबी और थर्ड वर्ल्ड की गरीबी में कितना डिफरेंस है ये है. आगे कह रहे हैं कि अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड इन ऑल सोसाइटीज टू डिफाइन पॉवर्टी, तो पॉवर्टी को डिफाइन करने के अटेम्प्ट्स पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, अब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए थे खरगोश की तरह, ठीक है कान खड़े कर लो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आ गया ना अटेम्प्ट्स टू डिफाइन पॉवर्टी, यहाँ पे क्वेश्चन था. आगे लिखा है कि बट ऑल ऑफ देम आर कंडीशनड, ये कंडीशनिंग थी ना, कौन सी चीज़ है जो पावर्टी को डिफाइन करने के प्रयासों को कंडीशनड कर देती है, यही क्वेश्चन ही था. कंडीशनड बाई, कौन कंडीशनड कर देता है, वही बाई के बाद जो लिखा हुआ है वही आपका आंसर हुआ, कंडीशनड बाई ये आंसर है आपका, कंडीशनड बाई द विजन ऑफ मिनिमम आर गुड लाइफ ऑब्टेनिंग इन द सोसाइटी, ठीक है ना, मिनिमम या गुड लाइफ ऑब्टेनिंग है जो उसकी वजह से इसमें कंडीशनिंग लग जाती है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस लिखा है उदाहरण के लिए, द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी इन द USA वुड बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट इन इंडिया, जो USA में पॉवर्टी का की डेफिनेशन होगी का जो कंसेप्ट होगा वो इंडिया में पॉवर्टी के कंसेप्ट से बिल्कुल अलग होगा. क्यों होगा ऐसा, आगे देखो, बिकॉज द एवरेज मैन इज एबल टू अफोर्ड अ मच हायर लेवल ऑफ लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका में जो गरीब आदमी है जो एवरेज आदमी है वो इंडिया के अमीर आदमी या काफ़ी अच्छे आदमी से ज़्यादा सुख सुविधाएं अफोर्ड कर पाता है, उससे ज़्यादा हायर लेवल ऑफ लिविंग उसका है, तो वहाँ गरीबी की डेफिनेशन, तो वहाँ जो गरीबी की डेफिनेशन है वो यहाँ अमीरी की डेफिनेशन बन जाएगी. आगे लिखा है कि देयर इज एन एफर्ट, एक कोशिश की जाती है इन ऑल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की जितनी डेफिनेशन है उसमें कोशिश की जाती है टू अप्रोच द एवरेज लेवल ऑफ लिविंग, ठीक है ना, कोशिश क्या होती है गरीबी की डेफिनेशन में, अप्रोच करते हैं एवरेज लेवल ऑफ लिविंग की, ये भी क्वेश्चन था, ठीक है, गरीबी की डेफिनेशन में क्या कोशिश करते हैं, अप्रोच द एवरेज लेवल ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी एंड एज सच दीज डेफिनेशंस रिफ्लेक्ट द कोएग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटीज इन अ सोसाइटी एंड द एक्सटेंट टू व्हिच डिफरेंट सोसाइटीज आर प्रिपेयर टू टॉलरेट हिम टू टॉलरेट देम, ठीक है आगे आ जाओ, आगे क्या लिखा है देखो, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए, इन इंडिया द जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी इम्फेसाइजेस मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग, इंडिया में जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है जनरली एक्सेप्टेड है वो किस पर इम्फेसिस करती है, मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग पर. इसका कारण अभी पूछा था क्वेश्चन में, याद आया आपको कि इसका कारण पूछा गया था कि इंडिया में पॉवर्टी की डेफिनेशन में क्या चीज़ आ जाती है, मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग पे नीचे जाते हैं क्यों जाते हैं. आगे लिखा है, इन्होंने कहा इंडिया में पॉवर्टी की डेफिनेशन में मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग पर ज़्यादा इम्फेसिस की जाती है रैदर देन रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग, क्यों, दिस एटीट्यूड इज़ बोर्न आउट, ये क्यों पैदा हुआ है, कैसे हुआ है, ये क्यों अभी तक ऐसा चल रहा है, हमें ये रियलाइजेशन, हमें ये एहसास है कि इट वुड नॉट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं होगा टू प्रोवाइड इवन अ मिनिमम क्वांटम ऑफ बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स का मिनिमम क्वांटम भी प्रोवाइड करना मुश्किल होगा हमारे लिए फॉर सम डिकेड्स एंड देयर फोर टू टॉक अबाउट अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग और गुड लाइफ में अपीयर अ विशफुल थिंकिंग, तो ये एक काल्पनिक चीज़ होगी, हम रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग पर जा ही नहीं सकते हैं अभी, तो मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग की ही हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे अच्छे से. आगे लिखा है इस प्रकार जो पोलिटिकल कंसिडरेशन होता है वो पोइट्री की पॉवर्टी की डेफिनेशन में आ जाता है,
ठीक है, जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन है वो इंटर द डेफिनेशन ऑफ पावर्टी, हमारे देश में गरीबी के डेफिनेशन में ये आ जाता है, बिकॉज मैंने क्योंकि प्रोग्राम्स ऑफ एलिविएटिंग पावर्टी, पावर्टी को कम करने के जो प्रोग्राम है मे बिकम प्रोहिबिटिव एज द विजन ऑफ गुड लाइफ वाइडेंस। ठीक है, तो ये था हमारा पैसेज, सारे के सारे आंसर मिल गए हैं। अब चलिए एक एक करके पढ़ते चलते हैं और आंसर बताते चलते हैं। जहाँ जहाँ आंसर मिला था वहाँ वहाँ मैंने निशान लगा रखा है। देखो 21st में कह रहे हैं कि व्हाट अ पावर्टी अकॉर्डिंग राइटर, राइटर के अकॉर्डिंग पावर्टी क्या है, तो ये देखो बताओ क्या था कि एबिलिटी टू कंसीडर एज अ सोशल फेनोमेना टू सब्सटेंशियल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या इनएबिलिटी टू ऑफ सोसाइटी, इनएबिलिटी ऑफ अ सोसाइटी टू प्रोवाइड इट्स बेसिक नीड ऑफ लाइफ। तो यही था ना, शुरुआत में याद करो पहले ही पैराग्राफ में था, पहली लाइन मैंने कहा था और समझाया भी था कि राइटर के अकॉर्डिंग पावर्टी क्या है, बेसिक नीड्स को, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसको भी सप्लाई ना कर पाने को ही पावर्टी माना है राइटर ने। क्लियर, आपको डाउट हो रहा हो तो पहली ही लाइन देख लेना, ठीक है, पैसेज की पहली लाइन है ये। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं, व्हाट कंडीशंस, क्या चीज़ है जो पावर्टी की डेफिनेशन में कंडीशन कर देती है, शर्त लगा देती है। देखो डेफिनेशन ऑफ पावर्टी इंडिया ये शर्त नहीं लगाती, डेफिनेशन ऑफ पावर्टी इन यूनिवर्सिटी भी नहीं है, ये है द विजन ऑफ मिनिमम गुड आर मिनिमम आर गुड लाइफ, जो मिनिमम या गुड लाइफ के जो विज़न है, जैसे अमेरिका में मिनिमम या गुड लाइफ का विज़न दूसरा है, इंडिया में मिनिमम और गुड लाइफ का विज़न दूसरा है, तो अलग अलग कंट्रीज में मिनिमम और गुड लाइफ का जो विज़न अलग अलग हो जाता है, इसी की वजह से पावर्टी की डेफिनेशन में कंडीशनिंग आ जाती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था, मैंने वहाँ पर अंडरलाइन भी किया था, याद आया, ठीक है, नहीं याद आया हो तो पलट के फिर से पैसेज देख लो। आगे आ जाओ 23 में क्या कह रहे हैं, व्हाट डू ऑल डेफिनेशंस ऑफ पावर्टी डू, जो पावर्टी की जितनी भी डेफिनेशंस है वो सारी की सारी डेफिनेशंस क्या करती हैं, ठीक है, सारी की सारी डेफिनेशंस याद आया आपको, एवरेज लेवल ऑफ लिविंग पर आ जाती हैं, जितनी भी डेफिनेशंस थी वो सब एवरेज लेवल ऑफ लिविंग पर आकर के टिक जाती हैं। तो देखो एवरेज लेवल ऑफ लिविंग ये है ना, अप्रोच द एवरेज लेवल ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी, सारी की सारी डेफिनेशंस यहीं आ जाती हैं, पावर्टी की डेफिनेशन एवरेज लेवल ऑफ लिविंग पर, ठीक है, ये भी निशान लगाया था मैंने पढ़ते समय ही निशान लगाया था, आप अगर क्वेश्चन आपको याद रहा होगा तो जब मैं निशान लगा रहा था तो आपको आंसर मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ पावर्टी इन इंडिया एम्फसाइज मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग, बिकॉज इंडिया में जो पावर्टी की डेफिनेशन दी जाती है वो मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग पर आकर टिक जाती है, क्यों, क्या कारण है, लिखा है इट इज़ इम्पॉसिबल एट दिस स्टेज, क्योंकि भारत में हमारे देश में अभी प्लानिंग चल ही रही है तो इस स्टेज पर उनको रीजनेबल क्वांटम ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, यही है यहाँ पर कि हम मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग पर इंफेसिस कर देते हैं जब पॉवर्टी की बात करते हैं तो, ठीक है 24, तो ए वाला ही सही है उसमें। आ जाओ 25 पर, 25 में क्या था, सोसाइटीज इन थर्ड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड याद करो, थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज में क्या बात हो रही थी, ठीक है, तो सर थर्ड वर्ल्ड सोसाइटी, इन्होंने कहा कि कैन बी कैरेक्टराइज्ड प्लेग्ड, क्यों इसको प्लेग्ड बाय मास कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड की सोसाइटी को, क्योंकि अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, यही बात थी। आगे इन्होंने कहा यूरोप एंड अमेरिका है पॉकेट्स ऑफ पॉवर्टी, ये उसका कारण नहीं है, पॉवर्टी इज मास सोशल फेनोमेना ये भी नहीं है, देयर इज वाइड वेरिएशन ऑफ डेफिनेशन इन सोसाइटी ये भी बात नहीं है, सोसाइटीज लिव एट द बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, केवल मतलब किसी तरह जिंदा रहें उसी लेवल पर सोसाइटीज वहाँ पर रहती हैं, थर्ड वर्ल्ड में जो सोसाइटीज हैं वो केवल किसी तरह से जिंदा रहने भर का इंतजाम कर पा रही हैं, इसीलिए इस समाज को प्लेग्ड बाई मास पावर्टी कहा जाता है, मैंने अंडरलाइन किया भी था उस जगह पर, ठीक है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस एसएससी मॉक टेस्ट सेकेंड के, ठीक है, उम्मीद है कि ये टेस्ट करने में आपको मज़ा खूब आई होगी, ठीक है, और जिन लोगों के पास इसका पीडीएफ नहीं है, इस डिस्कशन के साथ भी उस पीडीएफ का लिंक अटैच है, ठीक है, तो लिंक अटैच है, आप अगर चाहें तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं कल तो मैंने भेजा ही था, ठीक है। तो ये था सेकंड डिस्कशन, फिर मिलेंगे कल किसी नए सेशन के साथ, अगले हफ्ते फिर आपका मॉक थर्ड होगा, तैयार रहिए तब तक के लिए, ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।